हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14, गवर्नमेंट एंड की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हु गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कंट्री को कौन गवर्न करता है? तो ये हैं आपके कौन? गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आपकी कंट्री को उन्हें गवर्न करता है। ठीक है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और आपके स्टेट में भी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो सीएम है वो आपके हैं योगी आदित्यनाथ। और आप लोग भी अब जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने सीएम का नाम, ठीक है ना, अपने चीफ मिनिस्टर का नाम कमेंट में लिख के बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सिक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। द टर्म फ्रेंचाइजेज व्हेन अप्लाई टू द इलेक्शंस मीन राइट टू द सिटीजन। तो फ्रेंचाइजेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इसका मतलब ये होता है कि राइट टू वोट इन अ इलेक्शन, ठीक, मतलब कि आपका क्या हो गया, वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द डैश हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? तो ये देता है आपका कौन? पीपुल, यानी कि जो जनता होती है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? जनता के पास होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच एमंग द फॉलोइंग कोर्ट वॉज द फर्स्ट टू गिव वोटिंग राइट द वुमेन ऑन द सेम टर्म एज द मैन। देखिए, ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया पूरे दुनिया में सबसे पहले? तो वो कंट्री है आपका यूएसए। और कब दिया गया ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया 1920 में, यानी कि 1920 में ये अधिकार दिया गया कि महिलाएँ भी वोट करेंगी। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? तो गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या फॉलो करती है? तो वो फॉलो करती है आपकी डेमोक्रेटिक। कैसी कंट्री, कैसा यहाँ पे आपका इंडिया कैसा है? इंडिया आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1950, तो 1950 में क्या हुआ था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो साउथ अफ्रीका का कब हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये बताना है। तो जो साउथ अफ्रीका है उसका आपका हुआ था डेमोक्रेसी, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो हुआ था 1994 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1994 में। तो इसका आंसर बनेगा 1994, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है ना। ऑल द सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी आर द गिवन द फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं तो उनको फ्रीडम है कि वो अपने क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो प्रोटेक्टिंग कल्चर का मतलब क्या है? जैसे उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, इंडिया में देखिए 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो अपनी लैंग्वेज को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टम्स यानी कि जो रूल्स हैं, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों को ये लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है? शुड नॉट बी मिसलीड इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन और रिलीजनल लॉयल्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वोटर होना चाहिए, ठीक है ना, वोटर, ठीक है ना, जो वोटर यानी कि जो वोट देता है, तो वोटर को क्या होना चाहिए? वो कभी भी उसको मिसलीड नहीं होना चाहिए किससे? किसी के कास्ट से, किसी के रिलीजन से, किसी के रिलीजनल लॉयल्टीज से, ठीक है, कि आप इस धर्म के हैं तो आप इसी धर्म के लोगों को ही वोट देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट में कौन नहीं इन्वॉल्व है? तो ये है आपका केरला, ठीक है ना। क्यों नहीं इन्वॉल्व है? क्योंकि केरला में जो कृष्णा नदी का पानी है वो आपका नहीं बहता है। अब देखिए, जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डिफरेंसेस इन डैश सम टाइम डिवाइड्स पीपल इन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों में, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो किस बेसिस पे किया जाता है? रेस, रिलीजन और रीजन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वो किस जगह पे रहते हैं, उनका कलर कैसा है, ठीक है ना, उनका रिलीजन क्या है, इन सब चीज़ों पे डिफरेंसेस पीपल में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ड्यूरिंग द कंपेन बिफोर एन इलेक्शन द कैंडिडेट अनाउंस द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज दैट देयर पार्टी विल अंडरटेक इफ वोटेड टू पावर, दिस इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है इसमें जो आपके प्रोमिसेस होते हैं ठीक है ना, ये आपके लिखे होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, लिखे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके जब भी आते हैं ठीक है ना, जब भी ये आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट प्रोग्राम पॉलिसीज पार्टी विल अंडरटेक वोटेड टू पावर। तो यहाँ पे क्या है, पार्टी मैनिफेस्टो कहते हैं इसमें, जिसमें इनके बारे में ये लिखा रहता है कि ये सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पार्टी मैनिफेस्टो। तो ये सब चुनाव के पहले आता होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ डैश। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, किसका रूल है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका मेजॉरिटी का, ठीक है ना, किसका है, मेजॉरिटी का, ठीक है। ए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी वोट्स, हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। देखिए जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो मेजॉरिटी में होता है और वही क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है ना, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट इनकरेज। तो पॉलिटिकल पार्टी इनकरेज क्या नहीं इनकरेज करती है, मतलब किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ना तो कास्टिज्म को, ना कम्युनलिज्म को और ना रीजनलिज्म को, किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसा ये करती हैं तो ये यूनिटी जो है कंट्री की उसको ट्रबल में लाती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा करती है तो वो गलत करती है, ठीक है। क्वेश्चन 15, इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच कंप्लीट पावर रेस्ट विथ वन इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पूरी की पूरी पावर हो, ठीक है ना, तो वो आपका होता है डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही होता है। जैसे आपका हिटलर था वो तानाशाही था, वो जो कहता था वही होता था, ठीक है। तो लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 16, रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड टेक डिसीजन। तो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे मिलते हैं और किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, तो ये आपके मिलते हैं कहाँ पे, तो ये मिलते हैं, सॉरी, किसके लिए डिसीजन लेते हैं, तो ये लेते हैं इंटायर पॉपुलेशन, यानी कि जो देश का पूरा का पूरा हमारा जो पॉपुलेशन है उसके लिए ये लोग फैसले लेते हैं। क्वेश्चन 17, इन मोनार्की डैश हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। तो मोनार्की जो होता है उसमें जो पावर होता है किसी भी डिसीजन को लेने का वो कौन लेता है, तो ये लेते हैं आपके कोई राजा या रानी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, किंग और क्वीन। क्वेश्चन नंबर 18, मेक्स लॉ, यानी कि जो लॉ है उसे कौन बनाता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर बनेगा आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही हमारे लॉ यानी कि कानून को बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ANC। तो ANC का फुल फॉर्म क्या है, ANC का फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, व्हाई वॉज नेल्सन मंडेला इन जेल। तो नेल्सन मंडेला को जेल में क्यों डाल दिया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। होता क्या है कि इन्होंने क्या किया, एप्रीहेड, मतलब कि जो देखिए जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक थे, यानी कि वो उनका रंग जो था वो काला था, ठीक है। अब इसी की वजह से इनको क्या होता था, इनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इसी की वजह से इनको अत्याचार किया जाता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया, एक्टिविटीज़ की, और इसी की वजह से इन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट कंसिडर सेवरल इंस्टीट्यूशन, सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आर गिवन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के आपके ऑफिसेस हैं, इंस्टीट्यूशन से, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए राज्यसभा भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इंडियन रेलवे भी है और भारत पेट्रोलियम भी है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। पहला है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, इनको जनता के ही थ्रू वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं, इन डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट हैज एक्सप्लेन टू द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट जो है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसको एक्सप्लेन एक्शन करती है, प्रेसिडेंट को नहीं, ये वहाँ के लोगों को करती है, यानी कि वहाँ के पीपल को करती है। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वुमेन इन द यूके गॉट वोटिंग राइट्स इन 1920। तो क्वेश्चन क्या है कि जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है वहाँ के जो लेडीज़ हैं उनको कब आपको दिया गया, ठीक है ना, कब दिया गया वोट डालने का अधिकार, तो ये दिया गया 1928 में। और अभी आपने पढ़ा है कि 1920 में किस कंट्री में वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया, तो वो है आपका यूएसए। क्या है? यूएसए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका, चलिए फ़ोन नंबर अभी बचा हुआ है। रिलीजन प्रोकेशन एंड सेलिब्रेशन कुड सम टाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट। देखिए रिलीजन और ये जो कन्फ्लिक्ट हैं, सेलिब्रेशन है, धार्मिक जुलूस उत्सव मनाने पर कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये सही होगा, यानी कि पहला और चौथा सही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर ओनली। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। पहला है डिस्प्यूट ओवर रावी ब्यास वाटर इज बिटवीन पंजाब हरियाणा विद द हिमाचल प्रदेश एडिशन टू पार्टी। ठीक है, तो देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके साथ नहीं है एडिशनल पार्टी, ये किसके साथ है, राजस्थान के साथ। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है कृष्णा रिवर वाटर इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो कृष्णा रिवर का इशू किसके किसके बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, तो बिल्कुल भी नहीं, तमिलनाडु से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। केरला इज द थर्ड स्टेट इन्वॉल्व इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। केरला तीसरा स्टेट है जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में इंक्लूड है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, वाटर डिस्प्यूट अराइज ड्यू टू स्कैरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, जो पानी का विवाद होता है इससे पानी की कमी होती है। ठीक है ना, तो पहला थर्ड ऑप्शन सही है और फोर ऑप्शन सही है, तो उस पर हम किस पे टिक करेंगे, थर्ड एंड फोर पे। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था क्या, एक मिनट, हाँ सॉरी, इनका यहाँ पे गलत पूछा था, तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट था दोस्तों वो पहला दूसरा था, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसको किससे मैच करेंगे, तो ये ब्लैक लोगों के लिए था ऑप्शन नंबर वन, नेल्सन मंडेला। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला को किससे मैच करेंगे, थर्ड नंबर से। ठीक है ना, 1964। ठीक है, तो 1964 में जो नेल्सन मंडेला थे इन्हें जेल में डाला गया। ठीक है ना, तो ये रहेगा थर्ड नंबर। और यहाँ पे एप्रिहेट का मतलब होता है फोर सेपरेटनेस, यानी कि अलग अलगाव का भाव रखना। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा फोर नंबर, और ये आपका अफ्रीकांस, ये किससे मैच होगा, ये आपका सेकंड नंबर पे होगा, ये इसकी लैंग्वेज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, रीड द टू स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है कावेरी रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर जो होता है, ठीक है ना, वो पानी कहाँ कहाँ पे बहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ स्टेट हैव डिस्प्यूट ओवर कावेरी वाटर। क्या दोनों स्टेट में कावेरी वाटर का आपका डिस्प्यूट है? तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें जो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पहले वाले को क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, देखिए कावेरी वाटर जो है वो दो, चलिए बता दे रहा हूँ, कावेरी फ्लोज थ्रू बोथ स्टेट बट दे आर डैम्स इन बोथ स्टेट यूज इट्स वाटर। तो देखिए इन दोनों स्टेट में यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में जो डैम्स हैं, ठीक है ना, वो कावेरी वाटर के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, और इसी पानी को लेकर, क्योंकि भाई डैम में पानी होना चाहिए, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो अगर पानी नहीं आएगा, ठीक है, पानी कम आएगा या पानी कहीं रोक दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में दिक्कत होगी और स्टेट में भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। यह है मेरा गूगल पे नंबर, अगर आप पैसे पे करना चाहते हैं तो आप नंबर पे कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।